देवला और पंडिताई। वर्षों पहले एक पंडित को एक नेवले का बच्चा मिला। बच्चे की माँ मर चुकी थी। पंडित ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और बोला, कितना सुंदर बच्चा है नेवले का। ले 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 ले। बेचारे बच्चे, मैं तुम्हें पालूंगा। चलो चलो घर चलते हैं। और पंडित उसे अपने घर ले आया। पंडित का अपना एक छोटा बच्चा भी था। वह पत्नी से बोला, अरे भगवान, ये लो एक नेवले का छोटा सा बच्चा, कितना प्यारा है। बेचारा अकेला था, इसकी माँ मर गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। आज से हम इसको मनकू कहकर बुलाया करेंगे। समझी कि नहीं? यह तो ठीक है, परंतु ये तो जंगली जानवर है और हमारे घर में है छोटा बच्चा। ना बाबा ना। अरे देख तो सही, इस मासूम को कितने प्यार से तुम्हारी ओर देख रहा है। इसे भी अपना बच्चा समझो, प्यार देने से हमेशा प्यार मिलता है। समझी कि नहीं? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर क्या ये हमें सचमुच नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। फिर तो ठीक है, मैं इसका भी पालन पोषण अपने मुन्ने की तरह करूंगी। नेवला मनकू मुन्ने के साथ साथ पलने लगा और जल्दी ही वह बड़ा भी हो गया। उसके दांत भी नुकीले हो गए, परंतु वह मुन्ने के साथ हंसता खेलता रहता। अजी सुनते हो, मैं नदी में से पानी भरने जा रही हूँ, मुन्ने का ध्यान रखना। अरे भगवान, मनकू है ना उसके पास, तुम क्यों चिंता करती हो? ठीक है, मैं मनकू को भी अपना बच्चा समझती हूँ, लेकिन है तो वह एक जंगली जानवर ही ना। अरे कुछ नहीं होगा, तू जा, फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। मुझे नहीं पता, देखना कहीं मनकू मुन्ने को कोई नुकसान ना पहुँचाए, उसके दांत बहुत नोकीले हो चुके हैं। अरे बाबा बोला ना, मनकू अपने भाई को नुकसान पहुंचाएगा क्या? समझती नहीं हो तुम। पंडिताइन पानी भरने चली गई और पंडित जी पड़ोसी के यहाँ पूजा कराने चले गए। जैसे ही पंडित जी घर से निकले, उधर ही कहीं से एक सांप आ गया और वह मुन्ने की तरफ बढ़ने लगा। अरे ये सांप कहां से आ गया? यह तो मुन्ने की ओर जा रहा है। ठहर शैतान, अभी देखता हूं तुझे। नेवला तो सांप का दुश्मन होता ही है। नेवला मनकू ने सांप को लहूलुहान कर मार ही दिया। मनकू घर से बाहर आ गया। उसने देखा कि पंडिताइन लौट रही है। मनकू मानो अपनी बहादुरी की कहानी बताना चाहता हो, वह वफादारी जताता हुआ पंडिताइन की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही पंडिताइन ने मनकू के मुंह पर खून लगा देखा, चिल्ला उठी, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? अपने ही भाई को मार डाला? अरे ना शुक्रे, ये ले। ये कहते हुए उसने पानी से भरी हुई गागर मनकू के मुंह पर दे मारी। हे भगवान, मेरा बच्चा, मैं क्यों नेवले को पालने में राजी हो गई? लेकिन जैसे ही पंडिताइन अंदर पहुंची, तो मुन्ना खेल रहा था और उसके पास ही एक सांप लहूलुहान सा मरा पड़ा था।
ये देख उसे सब समझ में आ गया और फिर उसे बहुत दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? शिक्षा: जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है।